ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਹਾਲਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਬੂਟ ਪਾਲਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਕੌੜੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ ਚਾਹ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ ਫਲ ਫਰੂਟ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ लेकिन रोजगार पाना तो बड़ी दूर की बात, मोदी जी के लिए तो सिर्फ पकौड़े बेचना और चाय बेचना रोजगार के माध्यम है, वो उनकी एक सोच को दर्शाता है। इस सोच के तहत वो युवाओं को पीछे धकेल रहे हैं, इस देश को पीछे धकेल रहे हैं। इकॉनमी कहाँ तक जा रही है, डीमोनेटाइजेशन, ऐसे ऐसे जो अनप्लान फैसले ये सरकार पिछले सालों से लेती जा रही है, तो ये युवाओं को सड़कों के पास है, कोई ग्रेजुएट, कोई पोस्ट ग्रेजुएट, कोई पीएचडी, कोई नेट क्वालिफाइड, सभी आप कार्यकर्ता हैं, तो सबकी नौकरियाँ किसी के लिए नहीं है। बेरोजगार हो रहा है, 10 करोड़ से ज्यादा नौकरियों को नहीं, लॉकडाउन के चलते में अपनी नौकरियां गवा दी है और पता नहीं आगे कितने करोड़ों यूथ है जो और सीधी नौकरियां गवाएगा। आज मोदी जी का जन्मदिवस है तो उसके ऊपर आज हमने अपनी आवाज दिल्ली तक उनके कानों तक पहुंचाने के लिए सारे जितने भी हमारे स्टूडेंट साथी हैं, कोई पकौड़े बेच रहा है, कोई चाय बेच रहा है, ये एडवोकेट साहब है वो चाय बेच रहे हैं, ये भी हमें पास नारियल बेच रहे हैं, तो हमारे इनके पास इनकम का मतलब साधन ही नहीं, आखिरी यही हमारे पास चीज बची जिससे हम अपना खर्चा चलाने के लिए पैसे कमा सकते हैं। पास आउट कब है आपका? एमए पास आउट किस साल हुआ है? मेरे को 2-3 साल हो गए। 2-3 साल मतलब 3 साल से नौकरी ढूंढ रहा है और आपको कोई साल से नौकरी ढूंढ रहा है, मेरे को कोई भी कैसी भी नौकरी नहीं। एक सवाल यूथ से ये उठाया जाता है कि वो लोग बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन लेके चलते हैं कि बहुत ज्यादा हाई सैलरी, हाई जो एक्सपेक्टेड सैलरी पे उस पर भी नहीं है, तो बहुत दूर की बात है। हमें शायद इन्हीं अच्छे दिनों के लिए हमने मोदी जी को 3-6 साल शायद इन्हीं अच्छे दिनों के लिए संघर्ष ने होर किए जाने प्रधानमंत्री रोजगार नहीं है, पकौड़े रेहड़ियां लगा लेना।